अच्छा एक बात बताइए, क्या आप आईटी इंडस्ट्री में करियर को लेकर के इंटरेस्टेड हैं? और क्या आप एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, जिसे शॉर्ट में DSA कहा जाता है, की नॉलेज आपको जरूर से होनी चाहिए, क्योंकि आज ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एसेंशियल पार्ट बन चुका है और हर सॉफ्टवेयर इसका यूज करता है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंस, हेल्थ केयर, सर्विस सेक्टर, एंटरटेनमेंट और लाइफ साइंसेज में भी इनका यूज होता है। और इसरो, गूगल, अमेजॉन, IBM और इंफोसिस जैसी टॉप कंपनीज भी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का यूज करती हैं। यानी अगर इन टूल्स में मास्टरी हासिल हो तो ऐसी टॉप कंपनीज में जॉब मिलने के ब्राइट चांसेस भी बन सकते हैं। ऐसे में आपको भी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के बारे में जरूर से जान लेना चाहिए, और इसीलिए ही तो हमने आज का ये वीडियो बनाया है, ताकि इसे देख करके आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ पाए और इसे लर्न करने के बारे में सोच सके। हालांकि ये लर्निंग थोड़ी टफ पड़ती है, इसलिए ज्यादातर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स इसे स्किप करना ही प्रेफर करते हैं, लेकिन शायद आप इसकी इम्पोर्टेंस जान करके अपना इरादा बदल लें, इसलिए इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पूरा जरूर से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के बारे में। और पहले ये जानते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को लर्न करना इतना जरूरी क्यों है। इन्हें प्रॉपरली लर्न करना इसलिए जरूरी है ताकि आप वेब डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग वर्क के ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स को समझ सके। ये DSA एक फंडामेंटल कोडिंग कॉन्सेप्ट है। DSA स्किल्स एक प्रोग्रामर के तौर पर आपके पोर्टफोलियो में 4 चांद लगा सकती है। स्टार्टअप्स और फॉन्ग स्ट्रॉन्ग DSA नॉलेज रखने वाले कैंडिडेट्स को प्रेफर करती है। DSA का यूज अक्सर रिसर्च में होता है और इसके जरिए आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख सकते हैं। ये किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इनका यूज आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हैं। यानी DSA की तो बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंस है। तो चलिए थोड़े और एनकरेजमेंट के साथ हम इसके बारे में जानते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है, जो मशीन एफिशिएंट और ऑप्टिमाइज्ड कंप्यूटर प्रोग्राम से डील करती है। डेटा स्ट्रक्चर टर्म डेटा स्टोरेज और ऑर्गेनाइजेशन को रेफर करती है, तो एल्गोरिथम डिजायर्ड आउटकम के लिए किए गए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को रेफर करता है। ये दो अलग अलग टूल्स होते हैं जो कंबाइन होकर के कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को ये फैसिलिटी देते हैं कि वो अपनी पसंद का कंप्यूटर प्रोग्राम बिल्ड कर सके। कुछ कॉमन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स है लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, सेट्स, मैप्स, हैश टेबल्स और सर्च ट्रीज। अब इन दोनों टूल्स को क्लियरली समझने के लिए इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। और पहले बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स की। कंप्यूटर साइंस में डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने का एक स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट है डेटा स्ट्रक्चर। ये डेटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर साइंस का की कंपोनेंट है और इसका यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और ग्राफिक्स एटसेट्रा में होता है। ज्यादातर डेटा स्ट्रक्चर रियल लाइफ से ही इंस्पायर्ड होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपको अपनी अलमारी में कपड़ों को ऐसे सिस्टमैटिक मैनर में रखना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई स्पेसिफिक क्लोथ चाहिए तो आप आसानी से उसे निकाल सके। यानी आपको अपने कपड़े, जो एक तरह का डेटा हुआ, उन्हें ऐसे स्ट्रक्चर में अरेंज करना चाहिए जिसमें से जरूरत पड़ने पर आप किसी स्पेसिफिक क्लोथ को आसानी से बिना किसी हड़बड़ी के निकाल सके। बस इसी तरह का ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है डेटा स्ट्रक्चर, जिसकी जरूरत अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि एप्लीकेशंस कॉम्प्लेक्स और डेटा रिच होती जा रही हैं, जिसकी वजह से एप्लीकेशंस को ये कॉमन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिनमें डेटा सर्च, प्रोसेसर स्पीड और मल्टीपल रिक्वेस्ट शामिल है। और इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका डेटा स्ट्रक्चर्स ही होते हैं, क्योंकि डेटा को ऐसे डेटा स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज किया जा सकता है जिससे सारे आइटम्स को एक ही टाइम में सर्च करने की जरूरत ना पड़े और आसानी से रिक्वायर्ड डेटा सर्च किया जा सके। डेटा स्ट्रक्चर्स के दो टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, जिनमें INT, चार, फ्लोट, डबल और पॉइंटर डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं जो एक सिंगल वैल्यू होल्ड कर सकते हैं। और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। वैसे डेटा का अरेंजमेंट जब एक सिक्वेंशियल मैनर में होता है तो उसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स में एरेज, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स और क्यूज आते हैं। इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स में एक लीनियर फॉर्म में एक एलिमेंट केवल दूसरे एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड रहता है, और जब एक एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट से कनेक्टेड रहता है तो उसे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। जैसे ट्रीज और ग्राफ्स, जिनमें एलिमेंट्स रेंडम तरीके से अरेंज्ड रहते हैं। इनके अलावा डेटा स्ट्रक्चर्स को स्टैटिक और डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर में भी क्लासिफाइड किया जाता है। स्टैटिक में कंपाइल टाइम पर साइज एलोकेट किया जाता है,
जिससे डेटा की मैक्सिमम साइज फिक्स्ड होती है, जबकि डायनेमिक में रन टाइम पर साइज एलोकेट किया जाता है जिससे मैक्सिमम साइज फ्लेक्सिबल होती है। डेटा स्ट्रक्चर्स के कॉमन ऑपरेशंस में शामिल है सर्चिंग, यानी डेटा स्ट्रक्चर में हम कोई भी एलिमेंट सर्च कर सकते हैं। सॉर्टिंग, हम डेटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। इंसर्शन, डेटा स्ट्रक्चर में कोई न्यू एलिमेंट इंसर्ट भी किया जा सकता है। अपडेशन, एलिमेंट को अपडेट भी किया जा सकता है, यानी एक एलिमेंट को दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। और डिलीशन, यानी डेटा स्ट्रक्चर में से किसी एलिमेंट को डिलीट भी किया जा सकता है। और अब डेटा स्ट्रक्चर्स के बाद जानते हैं एल्गोरिदम्स के बारे में। एक सर्टेन टास्क को कंप्लीट करने के लिए या डिजायर्ड आउटपुट पाने के लिए जो स्टेप्स यूज किए जाते हैं उसके सेट को एल्गोरिदम कहा जाता है। ये प्रोग्रामिंग के लिए ब्लॉक्स बिल्ड करने जैसा होता है जो स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और वेबसाइट्स को स्मूथ फंक्शन करने और डिसीजंस लेने की परमिशन देता है, जैसा कि जीपीएस में होता है। यानी जब आप कोई लोकेशन सर्च करते हैं तो जीपीएस एक एल्गोरिदम का यूज करके मल्टीपल अवेलेबल रूट्स को चेक करता है, और कंप्यूटर्स भी फास्ट कैलकुलेशन के लिए एल्गोरिदम का यूज करते हैं। लेकिन हर प्रोसीजर एल्गोरिदम नहीं हो सकता, और एक एल्गोरिदम बनने के लिए उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने जरूरी है। एल्गोरिदम क्लियर और अनएम्बिगियस होना चाहिए। एक एल्गोरिदम के पास जीरो या वेल डिफाइंड इनपुट्स होने चाहिए। एल्गोरिदम के पास एक या ज्यादा वेल डिफाइंड आउटपुट्स होने चाहिए, और इसे डिजायर्ड आउटपुट से भी मैच होना जरूरी है। एल्गोरिदम एक लिमिटेड स्टेप्स के बाद टर्मिनेट होना चाहिए, और इसके स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस होने चाहिए जो किसी भी प्रोग्रामिंग कोड से इनडिपेंडेंट होने चाहिए। और जैसा कि हमने जाना कि एल्गोरिदम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जो लिमिटेड स्टेप्स से पूरा होता है। इन स्टेप्स में ब्रांचिंग और रिपीटेशन इंक्लूड होते हैं, और ये उस प्रॉब्लम पर डिपेंड करते हैं जिसके लिए एल्गोरिदम को डेवलप किया गया है। एल्गोरिदम के सारे स्टेप्स ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखे जाने चाहिए जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करते हैं। एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज की जा सकती है, और स्यूडो कोड और फ्लो चार्ट एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने के पॉपुलर वेज हैं। एल्गोरिदम्स के कुछ कॉमन कैटेगरीज हैं सर्च, सॉर्टिंग, ग्राफ और ट्री ट्रैवर्सिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग और हैशिंग एंड रीगेक्स। और अगर आप डेटा स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से एल्गोरिदम्स की कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज जाने तो वो है सर्च, डेटा स्ट्रक्चर में एक आइटम सर्च करने के लिए एल्गोरिदम। सॉर्ट, डेटा स्ट्रक्चर में सर्टेन ऑर्डर में आइटम सॉर्ट करने के लिए एल्गोरिदम। इंसर्ट, डेटा स्ट्रक्चर में आइटम इंसर्ट करने के लिए एल्गोरिदम। अपडेट, डेटा स्ट्रक्चर में एग्जिस्टिंग आइटम को अपडेट करने के लिए एल्गोरिदम। और डिलीट, एग्जिस्टिंग आइटम को डिलीट करने के लिए एल्गोरिदम। अब अगर डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स के बारे में ये जानकारी लेने के बाद आप इन्हें लर्न करना चाहते हैं तो बुक्स, आर्टिकल्स, ट्यूटोरियल्स और लेक्चर्स के थ्रू आप इसे सीखना शुरू कर सकते हैं और प्रैक्टिस के जरिए इन्हें लर्न कर सकते हैं। और अगर आप इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं कि कैसे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स को लर्न किया जाए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स के बारे में बेसिक बट इम्पॉर्टेंट नॉलेज आपके साथ शेयर कर पाया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी के अभी क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही करियर ओरिएंटेड वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्दी जल्दी मिल सके। रूबी आपसे कहेगी फिलहाल के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ।